बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर तनवीर अर्शद चौधरी, फैमिली फिजिशियन एक्सपर्ट इन फैमिली मेडिसिन। आई हैव अ 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस विद न्यूट्रिशन सोसाइटी ऑफ USA। आई हैव अ 2 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस एज अ फैमिली फिजिशियन विद WHO इन ब्राज़ील। जैसा कि हमारे व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स एंड फैमिली जानते हैं हमेशा कि हमने हमेशा जो है वो करंट इशू को उठाया है और उसी को एड्रेस करने की कोशिश की है कि जो भी हमारे क्लिनिकल ट्रायल के अंदर, क्लिनिकल एग्जामिनेशन के अंदर जो भी कंप्लेंस या जिस भी कैटेगरी के लोग सवाल करते हैं, हम बेसिकली उसी को मौजू बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि अपने व्यूअर्स और जितने भी हमारे देखने वाले हैं, पेशेंट हैं, फैमिलीज हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके नॉलेज को अपडेट किया जाए, उनके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर किए जाएँ और उनके साथ जो भी हमारी करंट गाइडलाइन आती हैं या करंट सिचुएशन होती है उसके ऊपर डिस्कशन की जाए। आज का हमारा मौजू ये है कि मास्क पहनना क्यों ज़रूरी है। मास्क पहनना क्यों ज़रूरी है, ये हमारा मौजू इसलिए है कि हम जब अपने क्लिनिकल ट्रायल में देखते हैं कि बेशुमार पेशेंट विदाउट मास्क जब एंटर होते हैं हमारे चैम्बर में, तो हम उनसे ये कहते हैं कि आपने जो है ना वो मास्क का इस्तेमाल क्यों नहीं किया। तो पेशेंट कहता है कि आजकल तो जो है वो कोरोना ख़त्म हो चुका हुआ, मास्क की क्या ज़रूरत है। तो हम पेशेंट की वेलफेयर के लिए ये एपिसोड बना रहे हैं ताकि उनको ये पता चले कि कोरोना वायरस हो या ना हो, कोविड का सीज़न हो या ना हो, मास्क पहनना आपके लिए ज़रूरी क्यों है और मास्क के आपको फ़ायदे क्या हैं और ना पहनने के नुकसान क्या हैं। तो हम सिंपली इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। जैसा कि आप देखते हैं कि किसी भी जगह पे जब पेशेंट पहुंचता है, मैं खुद पहुंचता हूं या हमारे व्यूअर्स पहुंचते हैं, देखने वाले पहुंचते हैं, फैमिलीज पहुंचती हैं, डिफरेंट कैटेगरी की गैदरिंग होती है या किसी हम इनविटेशन पे किसी जगह पे जाते हैं या किसी शादी में जाते हैं या किसी भी ऐसी गैदरिंग में जाते हैं कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों का इजमा होता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप देखते हैं कि आपको नहीं पता कि जितने भी लोग यहाँ पे जमा हैं इनमें से किसी को फ्लू है, खांसी है या किसी की कोई चेस्ट इन्फेक्शन चल रही है या किसी को टेम्परेचर है या इस कंडीशन के अंदर भी वो इस फंक्शन में शरीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको पता है कि जब भी पेशेंट खांसेगा या वो ज़ोर से छींक लेगा या वो लंबे लंबे सांस लेगा या फ्लू है तो वो बार बार अपनी रनिंग नोज़ को साफ़ करेगा, तो ऐसी कंडीशन में जो उसके क्लोज वाला होगा, उसके नियरेस्ट होगा, तो उसके ऊपर भी इफ़ेक्ट होने का ख़तरा होता है। अगर आपने मास्क पहना होगा तो कम अज़ कम आप जितनी ज़ोर से छींकते हैं, खांसते हैं, सांस लेते हैं, तो इसकी जो थ्रो होती है वो तकरीबन 2.5 से 3 फुट के फासले तक जा सकती है। तो इतने नियरेस्ट होते हुए जब आपने मास्क पहना होगा तो बेसिकली आप इस तरह के जंप से बच सकेंगे कि जो कि एक खांसने की थ्रो के साथ डायरेक्टली आपको हिट करेंगे। तो लिहाजा मास्क जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप इस जो थ्रो है इससे बचेंगे और किसी को फ्लो है या कोई वायरल इन्फेक्शन में चल रहा है या क्रोनिक डिजीज़ के अंदर है या किसी भी तरह की चेस्ट इन्फेक्शन के साथ चल रहा है, तो जब आप उसके क्लोजनेस हैं या उसके साथ बैठते हैं या उसके साथ मूव करते हैं तो आपको चाहिए कि मास्क का इस्तेमाल करें, क्योंकि मास्क का इस्तेमाल ना करने के नुकसान ये हैं कि अगर उसको फ्लू है, खांसी है, चेस्ट इन्फेक्शन है, थ्रोट इन्फेक्शन है या किसी भी तरह का टेम्परेचर में वो बंदा सफ़र कर रहा है, तो जब वो आपके साथ आपकी कुर्बत लेगा, खांसेगा, छींकेगा, सांस लेगा, तो उसके अंदर से निकलने वाले जम्स जो हैं वो डायरेक्टली आपको नोज़ और थ्रोट के ज़रिए आपको हिट करेंगे। लिहाजा जब आपने मास्क पहना होगा तो ये जो कवरेज और ये इस तरह की जो थ्रो के साथ आपके वायरस आपकी तरफ जाते हैं उनको रोकने में मदद मिलेगी। और बाकी कम अज़ कम अगर आपने मास्क लगाया होगा तो 70% आपको कवरेज मिल जाएगी और 30% अगर इन केस कोई ऐसा चांस होता भी है तो वो आपकी इम्यूनिटी, जो आपका इम्यून सिस्टम है, जो आपका दिफाई निज़ाम है, वो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस करेगा और इस तरह आप बहुत सारी बीमारियों से बच जाएंगे। जब आपने मास्क नहीं पहना होगा, ख़ासतौर पर हम अपने क्लिनिकल ट्रायल में देखते हैं, जब हम पेशेंट के साथ थोड़ा सख्ती से कहते हैं कि विदाउट मास्क जो है ना वो आपका चेकअप नहीं होगा, तो जो 2-4-5 पेशेंट इकट्ठे आए होते हैं, किसी फर्म से काम करते हैं या किसी जगह पे इकट्ठे मजदूर काम कर रहे होते हैं, तो वो इस चीज़ को ये समझते हैं कि शायद डॉक्टर्स को जो है ना वो पता नहीं कोई पर्सनली फ़ायदा है, वो इसलिए हमें मास्क के ऊपर जो है ना वो इंसिस्ट कर रहा है। तो वो क्या करते हैं कि एक ने मास्क अगर लगाया होता है तो 4 उसके साथ होते हैं। जब हम उनको कहते हैं कि बगैर मास्क के चेकअप नहीं होगा तो वो क्या करते हैं कि बाहर जाकर दूसरे को कहते हैं कि यार मास्क देना मुझे, वो उसी का यूज़ करदा मास्क उतारते हैं और अपने चेहरे पे लगा के अंदर आके हमें चेक करवा के बाहर जाके फिर मास्क उसके साथ रिप्लेस कर लेते हैं। तो इसका नुकसान क्या है कि एक ऑलरेडी किसी ने मास्क यूज़ किया हुआ है, उसमें जर्म्स हैं, वो ऑलरेडी वो खांस रहा है, छींक रहा है, उसको फ्लू है या वायरल इन्फेक्शन है या बाहर से डस्ट है उसके अंदर, तो वो बजाय ये कि आपने वक्ती तौर पे अपना फ़ायदा निकालने के लिए आपने वो मास्क उससे लिया और पहन के डॉक्टर के चैम्बर में गए या दफ्तर में गए या बैंक में गए या किसी भी जगह जहाँ पे आपने देखा कि बगैर मास्क के काम नहीं हो रहा,
तो आप किसी दूसरे का जो कि दोनों दोनों का नॉलेज इतना आप नहीं होता या दोनों वेल अवेयर नहीं होते, तो वो एक दूसरे का मास्क यूज़ कर लेते हैं पर्सनली अपने बेनिफिट के लिए। तो इसके नुकसान क्या होते हैं कि जिस नुकसान से बचाव के लिए हमने आपको मास्क की तरगीब दी है, अगर आपने एक से उतरा हुआ मास्क यूज़ करके बैंक में चले गए या आके दूसरे को दे दिया, उसने पहना वो बैंक में चला गया या किसी भी जगह किसी भी ऐसे ऑफिस सरकारी ऑफिस में डॉक्टर्स के चैम्बर में वो चला गया सिर्फ इस बचाव के लिए कि बगैर मास्क के मुझे चेकअप नहीं किया जाएगा, तो वो जर्म्स जिससे हम आपको बचाना चाह रहे हैं वो तो आपने ऑलरेडी ले लिए, क्योंकि आपने मास्क जो है ना वो रिप्लेस कर लिया बंदे से, एक बंदे का लगा हुआ मास्क उतार के आपने दूसरे को लगा लिया वक्ती तौर पे फ़ायदे के लिए। तो मेरे भाई, हमारी जितनी भी ये कोशिश है, जितनी भी ये एफर्ट है, ये बेसिकली कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए, कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए है कि हमारी कम्युनिटी, हमारा मुआशरा, मेरा मुल्क, मेरे शहर में रहने वाले जितने भी लोग हैं, ये इनकी प्रोटेक्शन जो है वो हमारा असल पर्पज़ है। इसलिए हम डॉक्टर्स हैं या जितने भी सरकारी महकमे हैं या जितने भी दफातर हैं, बैंक हैं, मल्टीनेशनल जितने भी ब्रांड हैं, तो उन्होंने विदाउट मास्क जो है वो आपकी एंट्री बंद की है। उस एंट्री को बंद करने का मतलब ये नहीं है कि वो आपके खिलाफ हैं या आपको ज़बरदस्ती कोई मास्क पहनाना चाह रहे हैं। तो बेसिकली मास्क पहनने के, मास्क यूज़ करने के बेनिफिट सिर्फ आपके लिए हैं, और जो पब्लिक इंटरेस्ट है वही बेसिकली हमारा इंटरेस्ट होता है कि हम पब्लिक इंटरेस्ट में रहते हुए अपने पेशेंट की वेलफेयर के लिए, अपनी फैमिलीज, फ्रेंड्स, जितने भी हमारे जानने वाले हैं उनकी वेलफेयर के लिए हम उनको कहते हैं कि मास्क के बगैर एंट्री बंद है। तो मतलब ये होता है कि जब आपने मास्क पहना होगा तो आप दूसरे के जम्प से भी बचेंगे और अपने जम्प दूसरों के अंदर ट्रांसफ़र करने से भी आप अपने आप को महफूज रखेंगे। और इस छोटे से अमल के साथ, जो कि आजकल आपको पता है 5 से 10 रुपये में मास्क अवेलेबल है, अगर आपने 2-4 मास्क अपनी पॉकेट में भी रखे हों, अगर किसी के पास नहीं भी है तो उसको फ्रेश मास्क भी दे दें, तो इससे आपको नुकसान कोई नहीं होगा बल्कि फ़ायदा ये होगा कि कम्युनिटी का फ़ायदा होगा, मुआशरे का फ़ायदा होगा, और इस तरह बहुत सारी बीमारियों से आप बच जाएंगे। अब अगर COVID-19 ख़त्म भी हो जाता है तो मास्क फिर भी आप जब किसी क्लिनिक पे जाएं, किसी भी रशी जगह पे जाएं, हॉस्पिटल में जाएं, किसी दवाखाने पे जाएं, तो मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको नहीं पता वहाँ पे डिफरेंट डिजीज़ के पेशेंट होते हैं, वो उनके अंदर डिफरेंट किस्म के जर्म्स होते हैं। तो जब आप इस तरह की प्लेसेस पे जाते हैं फिर आप मास्क का अगर इस्तेमाल नहीं करते तो उसके नुकसान आपको होते हैं कि वो एक हफ़्ते बाद आपको उसकी सिम्टम शो होना शुरू हो जाएँ, वो 2 दिन बाद शो होना शुरू हो जाएँ, 15 दिन बाद शो होना शुरू हो जाएँ, कि जब भी किसी जगह से जम्स आपके अंदर ट्रांसफ़र होंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होंगे। लिहाजा किसी भी ऐसी जगह पे जाएं, कोविड का सीज़न हो ना हो, कोरोना हो ना हो, हर जगह पे मास्क जो है वो आपकी प्रोटेक्शन है, आपकी नोज़ की प्रोटेक्शन है, आपकी थ्रोट की प्रोटेक्शन है। तो इसलिए आप जब मास्क का इस्तेमाल करेंगे तो आप बहुत सारे जम्स से बच जाएंगे, डस्ट से बचेंगे, बाहर निकलते हैं डस्ट एलर्जी से बच जाएंगे। तो इसलिए जो है वो हमने ये ज़रूरी करार दिया हुआ है कि किसी भी जगह पर आप जाते हैं, पब्लिक मकाम पर जाते हैं, तो आपको मास्क का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, क्योंकि इसके बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए ये हमने आज का एपिसोड बना के अपने व्यूअर्स, फॉलोअर, पेशेंट, फ्रेंड्स, फैमिलीज, जितने भी क्लिनिकल विजिटर्स हैं उनके नॉलेज में इजाफा किया है कि मास्क को इस्तेमाल करने का सिर्फ कोरोना से बचाव नहीं है, हर हाल में इस्तेमाल करेंगे, हर तरह की एलर्जी और डस्ट से बचेंगे, हर तरह के जंप से अपने आप को महफूज रखेंगे। तो हमें इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि हमारे क्लिनिकल ट्रायल के अंदर से जिस कंप्लेंस के साथ लोग ज़्यादा आ रहे होंगे, जिस कंप्लेंस को लेकर ज़्यादा पेशेंट आ रहे होंगे, हम इंशाल्लाह उसी को एपिसोड का हिस्सा बनाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।